लैक कैनाइनम डॉग्स मिल्क फॉर नर्वस रेस्टलेस हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स. लैक कैनाइनम जनरली नर्वस रेस्टलेस और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स की मेडिसिन है. सिम्टम्स इरेटिक, इरेटिक कहने का मतलब अनप्रिडिक्टेबल सिम्टम्स होते हैं. पेन्स कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, जो पेन है वो लगातार एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाएगा. ऐसा कालीबाइक्रोम में भी देखने को मिलता है, पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है. चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डेज, जो सिम्टम्स हैं वो लगातार एक साइड से दूसरी साइड कुछ घंटों में कुछ दिनों में चेंज होते रहेंगे. वेरी फॉरगेटफुल, कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है. एबसेंट माइंडेड है. मेक्स परचेजेज एंड वॉक्स अवे विदाउट देम, कि कुछ खरीदारी करेगा और उसको शॉप पे ही भूल जाएगा, उसके बिना चला जाएगा. ऐसे ही एग्नस में, एनाकार्डियम में, कॉस्टिकम और नेट्रम में भी देखने को मिलता है. इन राइटिंग यूजेज टू मैनी वर्ड्स और नॉट द राइट वंस, कि लिखते समय बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, सही शब्द नहीं होंगे. ओमिट्स फाइनल लेटर, आखिरी जो लेटर है वो उड़ा देगा, या लेटर्स इन अ वर्ड, कि जो भी लिखेगा उसमें कुछ लेटर्स जो है वो कम कर देगा. कैन नॉट कंसनट्रेट द माइंड टू रीड और स्टडी, माइंड को जो है वो रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए कंसनट्रेट नहीं कर पाएगा. वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होगा. ऐसा बोविस्टा में, ग्रेफाइटिस में, लैकेसिस और नेट्रम कार्ब एंड सीपिया में भी देखने को मिलता है. डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट कहने का मतलब एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट. ऐसा पर्सन जिसको इम्प्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं है, जो होपलेस हो चुका है, थिंक्स हर डिजीज इज इनक्यूरेबल, उसको ऐसे लगता है कि उसकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती. हैज़ नॉट अ फ्रेंड लिविंग, और ऐसी फीलिंग आएगी कि उसका कोई दोस्त जीवित नहीं है. नथिंग वर्थ लिविंग फॉर, कि किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदा रहना बेकार है. कुड वीप एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट जो है वो क्राई करना स्टार्ट कर देगा, रोने लग जाएगा. ऐसा एक्टिया में, ऑरम में, कैल्केरिया में और लैकेसिस में भी देखने को मिलता है. क्रॉस इरिटेबल चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम्स ऑल द टाइम स्पेशली एट नाइट, बच्चा जो है वो एंग्री होगा, एनॉयड होगा, इरिटेबल होगा और बच्चा रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा पूरे समय, स्पेशली रात के समय पे. ऐसा जलापा में, नक्स में और सुराइनम में देखने को मिलता है. फियर्स टू बी एलोन, अकेले रहने से उसको डर लगता है. ऑफ डाइंग, फियर ऑफ डाइंग, डाइंग का फियर है तो आर्सेनिक में ऐसा देखने को मिलता है. ऑफ बिकमिंग इनसेन, पागल न हो जाए इस चीज़ का डर है तो ऐसा लिलियम में देखने को मिलता है. ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, स्टेयर्स से नीचे गिरने का डर होता है, ऐसा बुरैक्स में देखने को मिलता है. क्रॉनिक ब्लू कंडीशन, यानी साइनोसिस की कंडीशन जो है वो आ जाती है इसमें. एवरीथिंग सीम्स टू सो डार्क दैट इट कैन ग्रो नो डार्कर, हर एक चीज़ इतनी डार्क लगती है कि अब और ज़्यादा डार्क क्या हो सकता है. तो साइनोसिस कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जो स्किन है, वो डार्क अपीयर होती है. ऐसा लाइको और पल्स में भी देखने को मिलता है. अटैक्स ऑफ रेज, कर्सिंग, स्वेयरिंग एट स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, पेशेंट को आप थोड़ा सा भी प्रोवोकेट करोगे, हल्का सा भी कोई छेड़ देगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एंगर दिखेगा. कर्सिंग मतलब फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी को बुरा भला कहना. स्वेयरिंग वही फिर से जो है वो फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा थोड़ा सा भी प्रोवोकेशन पर. ऐसा लिलियम में और नाइट्रिक एसिड में देखने को मिलता है. इंटेंस अग्लीनेस एंड हेटफुल का पर्सन जो है वो बहुत कुरूप दिखेगा, बहुत घृणित होगा वो. कोराइजा विद डिस्चार्ज ऑफ थिक वाइट म्यूकस, कोराइजा में डिस्चार्ज होगा थिक वाइट म्यूकस का. वन नॉस्ट्रिल स्टफ्ड अप द अदर फ्री, एक नॉस्ट्रिल जो है वो बंद हो जाएगा तो दूसरा खुला रहेगा. एंड डिस्चार्जिंग, और जो खुला रहेगा वहाँ से डिस्चार्ज लगातार आता रहेगा. देयर कंडीशंस अल्टरनेट, और इनकी जो कंडीशन है वो अल्टरनेट होगी कि एक बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा. डिस्चार्जेज एक्रिड, डिस्चार्ज कैसा होगा, एक्रिड होगा. नोज और लिप जो है वो रॉ, यानी सोरनेस फील होगी वहाँ पर. ऐसा एरम और एलियम सीपा में भी देखने को मिलता है. डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में द सिम्टम्स चेंज रिपीटेडली फ्रॉम साइड टू साइड, कि जो सिम्टम्स हैं वो साइड टू साइड चेंज होते रहेंगे. सोर थ्रोट एंड कफ आर एप्ट टू बिगिन एंड एंड विद मेंस्ट्रुएशन, जो सोर थ्रोट है या कफ है वो मेंसेस के साथ ही स्टार्ट होगा और मेंसेस के साथ ही खत्म होगा. येलो और वाइट पैचेस, तो कफ में जो है वो येलो या वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे. पेन शूट टू ईयर, जो पेन है सोर थ्रोट की वजह से या कफ की वजह से वो कान तक जाएगा. थ्रोट सेंसिटिव टू टच एक्सटर्नली, लैकेसिस के जैसा जो थ्रोट है वो बाहर से छूने के लिए सेंसिटिव होगा. एग्रेवेशन बाई एम्पटी स्वेलोइंग, खाली निगलने में जो है वो
एग्रेवेशन देखने को मिलेगा, ऐसा इग्निशिया में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो, लगातार जो है वो निगलने की टेंडेंसी होगी। पेनफुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और स्वेलोइंग कैसी होगी, पेनफुल होगी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी। मरकरी में भी ऐसा देखने को मिलता है। पेन्स एक्सटेंड टू ईयर्स, और जो पेन है वो ईयर्स तक एक्सटेंड करेगा, कानों तक एक्सटेंड करेगा। ऐसा हेपर में, काली बाइक्रो में भी देखने को मिलता है। एंड बेगिन्स ऑन लेफ्ट साइड, और जो पेन है थ्रोट का वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। ऐसा लेकेसिस में भी देखने को मिलता है। साइनिंग ग्लेज्ड अपीयरेंस ऑफ डिप्थरिटिक डिपॉजिट चैंकर्स एंड अल्सर्स, कि साइनिंग ग्लेज्ड अपीयरेंस होगा डिप्थरिटिक डिपॉजिट का, चैंकर्स यानी सोरनेस होगी, अल्सर्स होंगे। वेरी हंग्री, कैन नॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई। लेग कैनाइनम का जो पेशेंट है उसको गले में दिक्कत है उसकी वजह से, और भूख भी बहुत ज्यादा होती है, वो इतना खा नहीं पाएगा कि खुद को सेटिस्फाई कर पाए। एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, तो खाने के पहले और खाने के बाद वापस जस का तस भूखा ही रहेगा। ऐसा ही जो है वो कैस्कैरिला, कैल्केरिया कार्ब, सीना, लाइकोपोडियम और स्ट्रॉन्टियम में देखने को मिलता है। सिंकिंग इन इपिगैस्ट्रियम, इपिगैस्ट्रियम में सिंकिंग सेंसेशन होगा। फेंटनेस इन स्टमक, स्टमक में जो है वो फेंटनेस वाली फीलिंग आएगी, डिजीनेस आएगी खाने के बाद। मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज फ्लो इन गसेस ब्राइट रेड, मेंसेस जो है वो जल्दी आएगा, ज्यादा होगा, और जो फ्लो है वो ब्राइट रेड का होगा, इकट्ठे होगा, ब्राइट रेड ब्लड आएगा। विसिड यानी चिपचिपा, स्ट्रिंगी मतलब जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ते हो, स्ट्रिंग्स बनते हो। डार्क ब्लैक स्ट्रिंगी, अगर डार्क ब्लैक स्ट्रिंगी है तो क्रोकस सेटाइवस इंडिकेट होता है। ब्रेस्ट स्वेलन पेनफुल सेंसिटिव बिफोर एंड ड्यूरिंग, मेंसेस के दौरान ब्रेस्ट में जो है वो स्वेलिंग होगी, पेनफुल होंगे, तो ऐसा कोनियम में भी देखने को मिलता है। डिस्चार्जेस ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से जो है वो फ्लैटस का डिस्चार्ज होगा, फ्लैटस पास होगा, ऐसा ब्रोमियम में, लाइको में, नक्समॉस में और सेंगुनेरिया में भी देखने को मिलता है। ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड पेनफुल, ब्रेस्ट कैसे होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, पेनफुल होंगे। एग्रेवेशन बाई लीस्ट जार, हल्का सा भी मोशन से एग्रेवेशन होगा। एंड टुवर्ड्स इवनिंग, इवनिंग के टाइम में एग्रेवेशन होगा। मस्ट होल्ड देम फर्मली वेन गोइंग अप और डाउन स्टेयर्स, स्टेयर्स पे ऊपर जाते समय, नीचे आते समय ब्रेस्ट को जो है वो हाथ से फर्मली सपोर्ट करेगा, ऐसा ब्रायोनिया में भी देखने को मिलता है। सर्विसिएबल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू ड्राई अप मिल्क, सो लेग कैनाइनम लगभग उन सभी केसेस में दिया जाता है जहां पर मिल्क को ड्राई अप करना होता है, कि जैसे बच्चे ने जो दूध पीना बंद कर दिया, लैक्टेशन पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद अगर मिल्क को ड्राई अप करना है तो वहां पे लैक्टेनेनम दिया जाता है। एस्फेटाइडा भी दिया जाता है टू ब्रिंग बैक और इंक्रीज इट, अगर मिल्क वापस लाना हो या मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो तो लैक डीफ्लोरेटम दिया जाता है। सेंसेशन एज इफ ब्रेथ वुड लीव हर व्हेन लाइंग डाउन, ऐसा सेंसेशन होता है कि सांस जो है वो निकल जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होती है जब पेशेंट जो है वो लेट जाता है। मस्ट गेट अप एंड वॉक, तो पेशेंट को उठना पड़ेगा, उठ के वॉक करना पड़ेगा तब सांस आएगी। ऐसे ही अमोनियम कार्ब में देखने को मिलता है, ग्रैंडुलेरिया में देखने को मिलता है और लैकेसिस में देखने को मिलता है। लॉस ऑफ मिल्क वाइल नर्सिंग, नर्सिंग के समय जो है वो लॉस ऑफ मिल्क होगा विदाउट एनी नोन कॉज, बिना किसी नोन कॉज के लॉस ऑफ मिल्क होगा, ऐसा एस्फेटाइडा में भी देखने को मिलता है। पेल्पिटेशन वायलेंट व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे लेटने में जो हार्ट पाल्पिटेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, वायलेंट देखने को मिलेगा। एम्लुरिएटेड ऑन टर्निंग राइट, राइट की तरफ टर्न लेने से जो है वो आराम मिलेगा, ऐसा टबैकम में भी होता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स इजिली एक्साइटेड, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो जल्दी एक्साइटेड हो जाएंगे फ्रॉम टच, छूने से, प्रेशर से, सिटिंग यानी बैठने से, या वॉक करते समय जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से। ऐसा ही जो है वो सिनामोमम में भी देखने को मिलता है, कॉफिया में, म्यूरेक्स में और प्लेटिना में भी देखने को मिलता है। व्हेन वॉकिंग सीम्स टू बी वॉकिंग ऑन एयर, जब वॉक करेगा तो उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो हवा में चल रहा है। व्हेन लाइंग डज नॉट सीम टू टच द बेड, और जो लेटेगा तो ऐसा फीलिंग आएगी कि वो बेड को टच
टच नहीं हो रहा है, ऐसा एसेरम यूरोपियम में भी देखने को मिलता है। बैकेक इंटेंस, बैकेक कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, अनबियरेबल, बर्दाश्त नहीं होगा। क्रॉस सुपर सैक्रल रीजन, क्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड जाना, तो सुपर सैक्रल रीजन पे दोनों साइड जो है वो पेन होगा। एक्सटेंडिंग टू राइट नेटिस, नेटिस टर्म यूज किया जाता है बटक के लिए। सो राइट बटक से राइट सियाटिक नर्व की तरफ जो है वो एक्सटेंड करेगा। एग्रेवेशन बाई रेस्ट, रेस्ट से एग्रेवेशन होगा या फर्स्ट मोशन से एग्रेवेशन होगा, ऐसा रेस्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। स्पाइन एकेज फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन, स्पाइन यानी जो आपका रीढ़ की हड्डी है वो कहां से कहां तक दर्द करेगा, फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन टू कॉकिक्स, यानी बेस ऑफ ब्रेन से लगा के टेल बोन तक उसमें पेन होगा। वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर, तो स्पाइन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टच के लिए, प्रेशर के लिए। ऐसे ही चिनिनम सल्फ्यूरिकम में भी देखने को मिलता है, फॉस्फोरस में और जिंका में भी देखने को मिलता है। रिलेशंस की बात करें तो लेग काइनेनम जो है वो सिमिलर है एपिस के, कोनियम के, म्यूरिक्स के, लैकेसिस के, कालीबाइक्रोम, पल्स, सीपिया एंड सल्फर। इट जनरली एक्ट्स बेस्ट इन सिंगल डोज, जनरली लेग काइनेनम को जो है वो सिंगल डोज में दिया जाए तो अच्छा काम करता है। प्रोबेबली नो रेमेडी इन मटेरिया मेडिका प्रेजेंट्स अ मोर वैल्यूएबल पैथोजेनेसिस इन सिम्टम्स ऑफ द थ्रोट और वन दैट विल रीपे अ केयरफुल स्टडी, यानी मटेरिया मेडिका में थ्रोट के लिए इससे बेहतर मेडिसिन नहीं है कोई। सो लाइक लैकेसिस दिस रेमेडी हैज मेट विद द मोस्ट वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम प्रेजुडिस एंड इग्नोरेंस, तो लैकेसिस की तरह इसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अपोजिशन मिला प्रेजुडिस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, लेकिन धीरे धीरे इसकी थेरेपेटिक पावर्स का पता चला और उन थेरेपेटिक पावर की वजह से जो प्रेजुडिस जो इग्नोरेंस था उसको इसने ओवरकम कर लिया। इट वॉज सक्सेसफुली यूज बाई डायस्कोराइड्स प्लाइनी एंड सेक्सटस इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में डायस्कोराइड्स प्लाइनी और सेक्सटस ने इसका इस्तेमाल किया था। एंड रिवाइव्ड इन न्यूयॉर्क बाई रीजिक बेयर्ड एंड स्वान, तो न्यूयॉर्क में वापस इसको जो है वो रिवाइव किया गया रीजिक बेयर्ड और स्वान के द्वारा इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। रीज्ड वॉज द फर्स्ट टू पोटेंटाइज, रीज्ड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेग काइनेनम को पोटेंटाइज किया था। Thanks for watching, like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain and subscribe the channel for more videos on homeopathy.